Patrali and you are watching me in Cine Talkers. Thank you. Yeah. Thank you. इस बार तो तड़का अनी और झनक ने दे दिया हमें, हम क्या ही देंगे। झनक की शादी फिक्स हो गई है और सृष्टि आंटी ने उसके लिए एक लड़का देखकर ऑलरेडी, वो लड़का भी आ चुका है मामा मामी के साथ, सब कुछ ठीक है। हम शॉपिंग करके वापस आए हैं, अर्शी को भी हमने डिनर के लिए इनवाइट किया है, अर्शी भी आ गई है। तो इतने में हमें पता चलता है कि अनी बहुत पहले ही जल्दी ही ऑफिस से वापस लौट के आ गया था और आज स्पेशली मैंने बाहर से खाना ऑर्डर किया था। तो सब मिलके खाना खा रहे हैं, इतने में पता चलता है कि झनक की उंगली में हमने पहले ही नोटिस किया कट है। तो हम पूछते हैं, अर्शी ने पूछा कि ये क्या हो गया है, तो उसने बोला ऐसे ही सब्जी काटते हुए हुआ होगा। पर हमें ये नहीं पता था कि इतनी से कट के लिए अनी उसे खाना खिलाएगा, और सिर्फ अनी ने उसे खाना नहीं खिलाया, झनक मैडम ने भी अनी को खाना खिलाया। दिस इज एक्सट्रीमली, आई डोंट नो, दिस इज एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अर्शी, फॉर बासु फैमिली, कि ये क्या हो गया है। दिस इज लाइक टू मच, हम तो कुछ बोल नहीं पा रहे। झनक तो अभी ऑलरेडी ऐसे, अभी जो सिचुएशन है अब वो थक चुकी है, उसका ये टेक है कि मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगी, तो ठीक है शादी करके मुझे विदा कर दो, एटलीस्ट अगर वो लड़का, वो आदमी मुझे कश्मीर लेके जाएगा तो मेरे लिए आसान होगा। पर ट्विस्ट तो होता ही है, और सृष्टि आंटी ने ऑलरेडी कुछ प्लान किया है, जो लड़का उसे देखने आया है उसके साथ शायद वो दुल्हा चेंज हो जाए, तो ये एक ट्विस्ट आने वाला है कि शायद दूल्हा चेंज हो जाए। अगर देखा जाए तो कुछ भी ड्रामा हो, अगर आपका कुछ प्लानिंग ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, नहीं आगे बहुत बढ़ेगा ही। हाँ ये है, बट आई एम ऑल्सो सरप्राइज, इस बार सृष्टि आंटी का जो ये जो प्लान है इसमें मैं शामिल बिल्कुल भी नहीं हूँ। सृष्टि आंटी ने बस ये तेजस के साथ ही प्लान किया है, और तेजस बहुत दिनों से वो ऐसे आग में जल रहा था कि वो झनक को पानी मतलब पाते पाते उसने खो दिया, कभी अनी उसको लेकर गया, कभी पुलिस की धमकी मिल गई उसको। तो सृष्टि आंटी ने मुझे इन्वॉल्व नहीं किया है। सृष्टि आंटी इन्वॉल्व तो करने लगी थी मुझे होली के प्लानिंग पे और ये सब छोटी मोटी चीज़ों में, पर इस बार सृष्टि आंटी ने बस तेजस के साथ ही वो डिस्कस किया है आगे क्या करना है, तो इसमें मेरा तो कोई टेक नहीं है एज ऑफ नाउ। थैंक यू, थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स फॉर शावरिंग सो मच लव टू अ न्यू शो, और ऐसे ही आप प्यार देते रहिए, हम भी आपको ट्विस्ट एंड टर्न के साथ और नए नए ड्रामा देते रहेंगे। थैंक यू। हाय, दिस